अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को यूज़र और इनके रोल्स के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के टूल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, टूल्स के अंडर हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। इनमें अवेलेबल टूल्स, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्प, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा के ऑप्शंस हैं। अवेलेबल टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में हमारे पास अवेलेबल टूल्स की लिस्ट शो हो जाती है। राइट नो हमारे पास कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर का टूल शो हो रहा है। अगर आप वर्डप्रेस का ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेस दिस और प्रेस दिस ओपन के भी टूल शो हो रहे होंगे। राइट नो क्योंकि मैं वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ तो वर्डप्रेस ने लेटेस्ट वर्जन में प्रेस दिस के ऑप्शंस को रिमूव कर दिया है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रेस दिस के ऑप्शन शो हो तो हमें वर्डप्रेस के इस प्लगइन को यहाँ इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रेस दिस का प्लगइन यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही आप wordpress.org की वेबसाइट पे जाके इस प्लगइन को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने इस प्रेस दिस के प्लगइन का लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इस प्लगइन को यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल और एक्टिव कर सकते हैं। मैं यहाँ प्लगइन के ऑप्शंस में ऐड न्यू के ऑप्शंस को यूज करके इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिव करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लगइन सेक्शन ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे ये वाला प्लगइन सर्च करता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे इसको पेस्ट करता हूँ और फिर मैं इसे सर्च करता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करूँ तो यहाँ पे नीचे हमारे पास प्रेस दिस का ये वाला प्लगइन शो हो रहा है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वाला प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। अब मैं अपने टूल्स वाले ऑप्शंस में जाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रेस दिस का ऑप्शन अब यहाँ पे हमारे अवेलेबल टूल्स में शो हो रहा है। मैं सबसे पहले इन ऑप्शंस को डिस्कस करता हूँ और फिर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला टूल है कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर, मींस के इस टूल को यूज करके हम अपनी वेबसाइट्स में कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर का लिंक शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पे कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर का ऑप्शन है, इसके नीचे इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ है। अगर हमने कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर को यूज करना है तो पहले हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। मैं यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं अब यहाँ पे रन इम्पोर्टर पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, कैटेगरीज टू टैग, टैग्स टू कैटेगरीज। मींस अगर हमने कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, और अगर मैंने टैग्स टू कैटेगरीज में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मैं पहले कैटेगरीज टू टैग्स के ऑप्शंस को यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल जितनी कैटेगरीज हैं शो हो रही हैं, और इनमें से जिन जिन कैटेगरीज को मैं टैग्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं उनको यहाँ से टिक कर लूंगा। मैं यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी को टिक करता हूँ, डाइट न्यूट्रिशन को टिक करता हूँ और स्किन केयर को टिक करता हूँ, और फिर मैं यहाँ कन्वर्ट कैटेगरीज टू टैग्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीन कैटेगरीज सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गई है टैग्स में। जो कैटेगरीज कन्वर्ट हुई है वो चाइल्ड साइकोलॉजी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, स्किन केयर की है। और अब मैं अब टैग्स वाले ऑप्शंस में जाके देखता हूँ कि क्या ये वाली कैटेगरीज टैग्स में शो हो रही हैं। यहाँ पे हम जाएंगे पोस्ट में, और पोस्ट में यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है टैग्स का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टैग्स की लिस्ट शो हो रही है। मैं इसको यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देख सकता हूँ कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी जो हमारी पहले एक कैटेगरी थी अब टैग शो हो रही है, और इसी तरह डाइट एंड न्यूट्रिशन जो कि पहले एक कैटेगरी थी अब टैग शो हो रही है, और इसी तरह अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे स्किन केयर का टैग शो हो रहा है जो कि पहले एक कैटेगरी थी। तो इस तरह हम अपनी कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं वापस जाता हूँ टूल्स के ऑप्शंस में और वहां से मैं टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ इम्पोर्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं ये सेकेंड ऑप्शन को यूज करता हूँ, टैग्स टू कैटेगरी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टैग्स शो हो रहे हैं, और जिन जिन टैग्स को हम कैटेगरीज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से चाइल्ड साइकोलॉजी, डाइट एंड न्यूट्रिशन और स्किन केयर
जो कि मैंने कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट किया था, इन्हीं को मैं वापस कैटेगरीज में कन्वर्ट करता हूँ और मैं इनको यहाँ से टिक कर लेता हूँ और फिर यहाँ कन्वर्ट टैग्स टू कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वाले टैग्स जो पहले मैंने कैटेगरीज से टैग्स में कन्वर्ट किए थे, अब मैं इन्हीं टैग्स को दोबारा कैटेगरीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सक्सेसफुली। और मैं दोबारा पोस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे कैटेगरीज में क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजी, डाइट न्यूट्रिशन और स्किन केयर की कैटेगरीज शो हो रही हैं। मीन्स कि ये टैग्स थे, अब हमने इनको कैटेगरीज में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरह हम अपने टूल्स में कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रेस दिस का है। प्रेस दिस बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने किसी वेबसाइट की पोस्ट को अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करनी है या पब्लिश करनी है तो हम प्रेस दिस के बटन को यूज़ करके बड़ी आसानी से उस पोस्ट को अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर लेते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें प्रेस दिस के बटन का यूज़ करना होता है। बेसिकली प्रेस दिस का ये बटन हम अपने बुक मार्क बार में एम्बेड कर लेते हैं और फिर जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस बटन को क्लिक करके उस वेबसाइट की किसी भी पोस्ट को अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले कर लेते हैं। कैसे करते हैं मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रेस दिस का बटन शो हो रहा है, मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे इसे इंटीग्रेट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बुक मार्क में प्रेस दिस का ये ऑप्शन शो हो रहा है। और अब मैं फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब की वीडियो को अपनी इस वेबसाइट में डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक यूट्यूब की वीडियो डिस्प्ले हो। यूट्यूब ओपन करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल की किसी वीडियो को यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा चैनल है और यहाँ पर मेरे चैनल्स की कुछ वीडियोस शो हो रही हैं। मैं किसी एक वीडियो पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वीडियो प्ले हो रही है। और अगर मैं इस वीडियो को अपनी इस वेबसाइट में पब्लिश करना चाह रहा हूँ तो यहाँ प्रेस दिस के इस बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे अलादीन स्टोर में शो हो रही है और मैं यहाँ नीचे पब्लिश के बटन पर क्लिक करके इसे अपनी वेबसाइट में पब्लिश करता हूँ। जैसे ही हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो ये वाली वीडियो हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे पब्लिश हो गई और लिखा हुआ है हाउ टू डाउनलोड एंड सेटअप वर्डप्रेस। इस तरह हम अपनी वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट की पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस प्रेस दिस के बटन को यूज करते हैं। अब मैं अपनी वेबसाइट में जाता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पोस्ट मैंने अभी इंटीग्रेट की थी यहाँ पे शो हो रही है और रिसेंट पोस्ट में देखूं तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू डाउनलोड एंड सेटअप वर्डप्रेस। तो इस तरह हम प्रेस दिस के ऑप्शंस को यूज करके किसी भी वेबसाइट की पोस्ट को बहुत आसानी से अपनी वेबसाइट में से पब्लिश कर सकते हैं। अब मैं अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में जाता हूँ और टूल्स में जाके अदर ऑप्शंस को डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने प्रेस दिस के बटन को यूज किया, एक और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं ओपन प्रेस दिस। मींस सिमिलरली यही ऑप्शन हम अपने मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं। मींस कि हम इसी बटन को अगर यही ऑप्शन अपने मोबाइल फोन में यूज करेंगे तो उसे हम ओपन प्रेस दिस का नाम देंगे। अब मैं टूल्स के नेक्स्ट ऑप्शंस को डिस्कस करता हूँ, इनमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है। सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट के ऑप्शंस को डिस्कस करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट का पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चूज व्हाट टू एक्सपोर्ट। मींस कि अगर आप अपनी इस वेबसाइट के कंटेंट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फोर ऑप्शंस हैं, ऑल कंटेंट, पोस्ट, पेजेस, मीडिया। अगर आपने अपनी वेबसाइट की पोस्ट, पेजेस, मीडिया के तमाम कॉन्टेंट को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ ऑल पे क्लिक कर दें। अदरवाइज अगर आप किसी एक ऑप्शंस के कंटेंट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उस रेलेवेंट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं और इस पे क्लिक करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पोस्ट के अंडर कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं जिनमें कैटेगरीज, ऑथर्स, स्टार्ट डेट और स्टेटस के ऑप्शंस हैं। मीन्स के मैं इन ऑप्शंस को यूज करके पोस्ट से रिलेटेड डाटा को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं कैटेगरीज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे तमाम कैटेगरीज शो हो रही होंगी और मैं किसी भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके उस कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑथर का है। मींस जो अवेलेबल ऑथर्स हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अलादीन को सिलेक्ट करता हूँ
और यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी तरह स्टेटस में हमारे पास ये वाले ऑप्शंस हैं, मींस के कौन कौन सी पोस्ट आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इनमें पब्लिश, कैजुअल, ड्राफ्ट, पेंडिंग, प्राइवेट के स्टेटस के ऑप्शंस हैं। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे डाउनलोड एक्सपोर्ट की फाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलादीन स्टोर डॉट एक्सएमएल की फाइल डाउनलोड हो चुकी है और इस फाइल में हमारा इस पोस्ट से रिलेटेड डाटा है। और अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये वाली फाइल जो मैंने एक्सपोर्ट की है, अब मैं इस फाइल को अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करूँ, तो मैं इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने ये वाली फाइल इसी वेबसाइट से ही एक्सपोर्ट की है, तो अब मैं इसी वेबसाइट में तो इंपोर्ट नहीं करूँगा, मुझे अपनी किसी और वेबसाइट में लॉगिन होना होगा और वहाँ पे जाके इस इंपोर्ट के ऑप्शंस को यूज़ करके ये वाली फाइल अपलोड करनी होगी। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे वर्डप्रेस में ये वाला प्रोजेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है, ये अलादीन के नाम से है। मैंने एक और प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है हेल्थ के नाम से, मैं उसे ओपन करता हूँ। मैं यहाँ अपने लोकल में चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पैम सर्वर ओपन हो चुका है। यहाँ पे योर प्रोजेक्ट्स में दो प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, अलादीन जो ये वाला है, मींस के इस वेबसाइट से मैंने ये वाली फाइल एक्सपोर्ट की है, और दूसरा मेरे पास प्रोजेक्ट शो हो रहा है हेल्थ का, मींस के मैं अपनी इस हेल्थ की वेबसाइट को ओपन करके अपने अलादीन के स्टोर से जो मैंने फाइल एक्सपोर्ट की थी हेल्थ वाली वेबसाइट पे इम्पोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेल्थ, आप देख सकते हैं कि ये मेरी हेल्थ की वेबसाइट ओपन हो गई और मैं यहाँ लॉगिन होता हूँ WP एडमिन। यहाँ पे मैं इसको आप देख सकते हैं कि मैं लोकल होस्ट स्लैश हेल्थ में लॉगिन हो चुका हूँ और ये मेरी हेल्थ की वेबसाइट का एडमिन पैनल शो हो रहा है। और मैं टूल्स पे क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। और अब मैं इस ऑप्शंस को यूज करके उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा जो मैंने अपनी अलादीन स्टोर की वेबसाइट से एक्सपोर्ट की थी। यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं अपने इंपोर्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे नीचे आप देखें एक ऑप्शन है वर्डप्रेस, मींस मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट की फाइल को अगर इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज करूंगा। पहले मैं इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने वर्डप्रेस इंपोर्टर को इंस्टॉल कर लिया है और मैं यहाँ रन इंपोर्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे मैं चूज फाइल के ऑप्शंस को यूज करके जो फाइल मैंने एक्सपोर्ट की थी अलादीन स्टोर से, मैं यहाँ उसे इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये वाली फाइल की थी तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अलादीन स्टोर की फाइल यहाँ पे शो हो रही है और मैं यहाँ अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ यूजर, मैं यहाँ हेल्थ सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे चेक करता हूँ डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट के ऑप्शंस को और फिर सबमिट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहा है ऑल डन, मींस के जो फाइल मैंने इंपोर्ट की है उस फाइल में जितनी भी पोस्ट थी वो सारी हेल्थ की वेबसाइट में इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब मैं पोस्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या वाकई वो तमाम पोस्ट इंपोर्ट हो चुकी हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो पोस्ट मैंने अलादीन स्टोर से एक्सपोर्ट की थी, अब वो मेरी हेल्थ वाली वेबसाइट में यहाँ पे शो हो रही है, जिनमें हाउ टू टॉक टू किड्स, व्हाट इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फॉर योर किड्स, टू मच पैम्परिंग, ये वाली तीन पोस्ट थी। और अब ये वाली पोस्ट हमारी हेल्थ की वेबसाइट में शो हो रही है और यहाँ पे ऑथर हेल्थ शो हो रहा है। मीन्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी अलादीन की वेबसाइट है और यहाँ पे मैं नीचे देखूँ तो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड ये तीन पोस्ट शो हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये अलादीन की वेबसाइट है, यहाँ पे ये अलादीन ऑथर शो हो रहा है और ये चाइल्ड साइकोलॉजी की तीन पोस्ट हैं। और जबकि ये मेरी वेबसाइट हेल्थ की है और यहाँ वही तीन पोस्ट शो हो रही हैं और यहाँ ऑथर अब अलादीन नहीं बल्कि हेल्थ है और यहाँ पे उनकी कैटेगरी चाइल्ड साइकोलॉजी शो हो रही है। तो इस तरह हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स में किसी भी पोस्ट का डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह हम पेजेस और मीडिया की फाइल्स भी अपनी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में ये बड़ी आसानी है हमारे पास कि हम अपनी एक वेबसाइट का डाटा दूसरी वेबसाइट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने अवेलेबल इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास साइट हेल्थ है,
अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो देखें ये वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं, मींस यहाँ पे हम साइट हेल्थ देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गुड, मींस के ओवरऑल साइट की हेल्थ गुड है। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, स्टेटस और इन्फो। मींस स्टेटस में हमें पता चलेगा कि साइट की हेल्थ का स्टेटस क्या है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है द साइट हेल्थ चेक शो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट योर वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन एंड आइटम्स दैट रिक्वायर योर अटेंशन। मींस कि यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन शो हो रही होंगी, अगर कोई क्रिटिकल इश्यूज हैं वो यहाँ पे शो हो रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 6 रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स, मीन्स के यहाँ पे वर्डप्रेस में जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वो यहाँ पे सजेस्टेड शो हो रही होंगी। और आप उनको वन बाय वन देख सकते हैं कि वो सजेशंस क्या हैं, और आप उनको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास सजेशंस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इन्फो का है, इस पर क्लिक करता हूँ तो इस ऑप्शन के अंडर हमारे पास साइट हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और मैं देख सकता हूँ कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मींस के मैं वर्डप्रेस के वर्जन के बारे में देख सकता हूँ कि कौन सा है, डायरेक्टरीज के बारे में देख सकता हूँ यहाँ से, एक्टिव थीम कौन सा है उसके बारे में डिटेल देख सकता हूँ, इस तरह इन एक्टिव थीम कौन कौन से यहाँ पे उन थीम्स की यहाँ लिस्ट शो हो रही होगी। और इसी तरह एक्टिव प्लगइन्स कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है, और इनएक्टिव प्लगइन्स की लिस्ट कौन कौन सी है। मींस के मैं इस इन्फो के ऑप्शंस को यूज़ करके अपनी साइट के बारे में तमाम मालूमात यहां से देख सकता हूं। टूल्स में अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा के हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं कि मींस के अगर आपने किसी यूज़र के डाटा को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस लिख के सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फोन सिटी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट करूँगा तो इस यूज़र को उसके पर्सनल डाटा की एक्सपोर्ट की रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। और फिर आप यहाँ से डाउनलोड पर्सनल डाटा के ऑप्शंस को क्लिक करके इसका पर्सनल डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपने किसी यूज़र के डाटा को इरेज करना है तो आप यहाँ इरेज पर्सनल डाटा पे क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे उस यूज़र के ईमेल टाइप करके सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी, और फिर आप अकॉर्डिंगली यूज़र पर्सनल डाटा को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स इरेज पर्सनल डाटा, मींस जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस यूज़र का तमाम पर्सनल डाटा यहाँ से इरेज हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टूल्स के ऑप्शंस के बारे में बताया, और ख़ास तौर पे हमने डिस्कस किया कि प्रेस दिस का टूल क्या है और कैसे हम इस टूल को अपने बुक मार्क में इंटीग्रेट करके किसी भी वेबसाइट की पोस्ट को बड़ी आसानी से अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर सकते हैं। और इस तरह मैंने अदर ऑप्शंस को डिस्कस किया। आई होप आपको इन ऑप्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी ऑप्शंस की समझ नहीं आई और यू वांट टू डिस्कस विद मी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आपको टाइमली मिलते रहें।